Hey guys, assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel Zeba Khan Malik Family Vlog. तो guys कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे. अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ. और आज का व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं हम गाइज, क्योंकि बहुत सारी चीजें सुबह से हो चुकी है और आज मेरा व्लॉग बनाने का इरादा नहीं था, क्योंकि फोन में पिछले व्लॉग अभी एडिट के लिए बाकी थे. इस वजह से हमारी इंस्टा फैमिली की तरफ से कुछ कस्टमर्स भी आए थे हमारे, तो उन सब से भी मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा. तो गाइज आज है कुकिंग का सीन. और वो क्या है, तो गाइज मैं बना रही हूँ आज चिकन का पुलाव, जो कि काफ़ी दिन बाद बना रही हूँ. तो हमारी मेड को नहीं आता बनाना, तो जो भी इस तरीके की चीज़ें होती हैं वो मैं खुद ही बनाती हूँ. तो गाइज मैं किचन में ना कुकिंग ही कर रही थी और मैं बीच में उनको बताकर मैं अंदर आई हूँ कि बस जल्दी से मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ. इतने आप गैस पर देखें सामान जो भी रखा है. तो गाइज मैं जा रही हूँ किचन में और देखिए आपकी कितनी मज़ों की चिकन का पुलाव बनता है. और अगर आपके घर पे बनता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बनता तो आप मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करें. तो गाइज मैं अपनी बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ. तो गाइज आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं, आ जाइए. तो गाइज हमारा चिकन ऑयल के अंदर चला गया है और इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि हमने सिर्फ इसके अंदर ऑयल लिया है थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि हमें अपना गोश्त फ्राई करना है. उसके अंदर मैंने डाला है ज़ीरा और थोड़ी सी इलायची, मतलब थोड़ी ज़्यादा ही डालनी है और खानों के हिसाब से, क्योंकि इसमें इलायची का जो फ्लेवर होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है. तो गाइस बस इसके अंदर गोश्त मैंने डाल दिया है और अब इसको थोड़ी देर में ऐसे ही भून रही हूँ. और उसके बाद इसके अंदर जाएगा हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट. तो अभी पहले मैं इसको भूनती हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह आपको दिखाती हूँ. तो गाइस अब इसके अंदर डालेंगे हम लहसुन अदरक का पेस्ट. और बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है आपको लहसुन अदरक के पेस्ट में, क्योंकि इसके अंदर जो है लहसुन अदरक की खुशबू ही बहुत ज़बरदस्त लगती है. थोड़ा सा और डालो बस. तो गाइस थोड़ा ज़्यादा इसके अंदर लहसुन अदरक डालना है, क्योंकि इसी का फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा सा करके आता है. और अब इसके अंदर हो चुकी है बहुत अच्छी वाली खुशबू. तो गाइज अभी थोड़ा सा इसको पकाने के बाद मैं इसके अंदर डालूंगी चावल, जो कि हमने अपने चावल ये हैं बिरयानी वाले डबल चाबी के, एक घंटा भिगो है इसको. तो गाइज हमारा गोश्त हो गया बिल्कुल रेडी और अब इसके अंदर जाएंगे हमारे चावल इस तरीके से. तो गाइज यहाँ पे हमारा चिकन का पुलाव हो गया है बिल्कुल रेडी, जैसे कि आप देख रहे हैं. और इतनी अच्छी खुशबू हो रही है ना गाइज, सोच है सिर्फ आपकी कि बस, मतलब सोच भी नहीं सकते गाइज इतनी अमेजिंग खुशबू हो रही है इसकी. तो ज़रा भी वेट नहीं करूँगी मैं. दानिश तो है नहीं घर में, वो गए हुए हैं फैक्ट्री. तो दानिश ने बोला है बच्चों को खाना खिलाओ और तुम भी खाओ. तो मुझे तो खैर भूख नहीं है, लेकिन मैं जैद दावर के लिए खाना निकाल रही हूँ. दावर क्या कर रहे हो मेरे बच्चे? नहीं अभी काम नहीं करो, अभी मौलाना गए ना, फिर अभी मैम से भी पढ़े थे. तो बस आज बस बहुत हो गई पढ़ाई पढ़ाई, अंदर जाके लेटो, मतलब लेटो नहीं आराम से बैठो. और मैं खाना लेकर आ रही हूँ तुम्हारे लिए, चिकन का पुलाव खाएगा लड़का है लेग पीस के साथ. लेग पीस भी चाहिए आज? लेग पीस मैं खा लूँ? मेरा बच्चा नहीं, तुम्हारे लिए ही लाए थे पापा. क्यों नहीं, ये क्या बात है दावा, तुम खा लेना मेरा बच्चा, खा लेना तुम. मैं मजाक कर रही थी, सीरियस हो जाता है, सीरियस हो जाता है. बोल रहा है मुझसे कि मैं ही खाऊं, वरना तो ये मुझसे बोलेगा नहीं. जैद तुम क्या कर रहे हो मेरे बच्चे? एलईडी चलाई है, खाना लेकर आ रही हूँ मैं. चलो दस्तरखान लगा रही हूँ. खाने में आज बनाया है मैंने चिकन का पुलाव लेग पीस के साथ. और ये आ गई है हुरैन. हुरैरा कहाँ? नहीं ना, सब देखा. अभी कितने बदतमीज हो रही है. तो ये चिकन के पुलाव के साथ जो हमने चटनी रेडी करवाई है, तो ये है टमाटर और हरी मिर्च और इसके अंदर डला है लहसुन. और जो इसके ऊपर इतना सारा आप देख रहे हो, ये सारा है नींबू का रस. तो गाइज मैंने बड़ा वाला एक नींबू लिया था, जो कम से कम इतने बड़े साइज का होता है. आप इसके अंदर दो नींबू भी डाल सकते हैं, बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी चटनी बना सकते हैं. बाकी हम
चिकन का जो पुलाव बनता है उसके साथ हम ये वाली ही चटनी यूज़ करते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है गाइज। और इसमें थोड़ा सा नींबू तेज़ हमें इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन खाने में बहुत अच्छा लगता है। अगर ट्राई नहीं किया है तो एक बार कहने से मेरे ट्राई ज़रूर करना, बहुत अच्छा वाला टेस्ट हो जाता है। और जिसके भी आगे रख दिया ना बस बस उंगली ही चाटता रह जाएगा वो, सच में। ये चटनी भी ऐसी ही कि अगर ये भी खा ली ना सिर्फ रोटी से तो ये चटनी भी बस कमाल की है बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं इसका नमक चखती हूँ और उसके बाद बस जल्दी से बच्चों को खाना देती हूँ। तो गाइज़ माशाल्लाह से बच्चे बैठ गए अपना खाना खाने के लिए और बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं। जल्दी जल्दी से बताओ कैसा बनाया मम्मा ने। पहले मुँह में रख तो लो दावर, मेरा बेटा तू कैसे दिल रखता है मेरा। पहले उसको चबाओ, टेस्ट इंजॉय करो, फील करो, फिर बताओ मम्मा को। मुंह में खाना रख के हो रही है दुआ, कोई बात नहीं। चलो अब जल्दी बताओ कैसा। अच्छा हाँ। ये मेरा बेटा हुरेरा। तुम नहीं, तुम्हें मैंने खिला दिया ना, पहले मैंने तुम्हें ही खिलाया किक-किक। हाँ ये जैन खा रहे हैं अपनी किक-किक और बच्चे कर रहे हैं अपना खाना इंजॉय। जैन चटनी तो लो मेरा बेटे, बहुत अच्छी बनी हुई है चटनी, बहुत ही टेस्टी हो रही है सच में। अभी शाम को हम इसके सैंडविच खाएंगे है ना, ये वही वाली चटनी है सैंडविच वाली। खा लो खा लो मेरा बेटा। मैंने अपनी कैट्स का लीटर करा साफ और इनका ये धोया क्योंकि ये गंदा हो गया था आज। और मैं आई विंडो पे और माशाल्लाह से यहाँ का मौसम इतना औसम हो रहा है जिसकी कोई हद नहीं है यार। ऐसा दिल हो रहा है कि बस जल्दी से दानिश आ जाए, मैं लॉन्ग ड्राइव पे चली जाऊँ, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि जैन सो रहा है, जैद दावर भी है और यहाँ पे खड़ी हुई है छोटी यब्बी को लेकर मेरा बच्चा। क्या हो रहा है भाई? और ये रुकैया क्या कर रही है? हाँ अल्लाह रहम करे, बादल गरज रहे बहुत तेज, मुझे लग रहा है बारिश बारिश होने वाली है। हाँ छोटी बारिश, हाँ मेरे हाथ पे पानी आया है। कहाँ गई रुकैया? हाय अल्लाह, ये रोटी बना रही थी। तो गाइज आप देखो जरा, रुकैया के हाथ में है आटा, वो बना रही है पेड़ा। ये रोटी आज रोटी ये बना रही है भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, वेल डन रुकैया, वेल डन। चल जल्दी से रोटियां खराब करते जाके। व्लॉग चल रहा है व्लॉग। तो गाइज रात के बज रहे हैं 8 और अभी तक मैंने खाया नहीं है खाना क्योंकि ये महाशय थे नहीं यहाँ पे। इतनी देर में क्यों आए हो तुम कारखाने से? तो दानिश भूख नहीं लगी तुम्हें बिल्कुल भी? ये क्या बात है, पता है मुझे कितनी तेज भूख लग रही थी। चलो जल्दी सब खाना खाए। चलो तो गाइज अब खाना वगैरह खाते हैं, जल्दी से लगा लेती हूँ मैं दस्तरखान। चलो बस मैं अभी आ रही हूँ, ठीक है। दावर यहाँ क्यों लेटे हो? तुम बिल्ली हो, उठो जाओ बिस्तर पे जाके लेटो अच्छे से। तो गाइज खाना निकाल लिया है हमने अच्छी तरीके से। दानिश सबसे पहले चटनी टेस्ट करके बताना जरा कौन सी से, तेज वाली है? नहीं दानिश तुम्हारी वाली है, हल्की वाली। तेज वाली नहीं है, तुम्हारी वाली है सीधी सी। नहीं पहले तुम चख के बता दो यार, सारे मजे खराब कर रहे हो। कैसे बना है? अच्छा अच्छा है। तो गाइस यहाँ बैठे जैद, जैद क्या कर रहे हो ना? जैद चला रहे हैं फोन और जैद के पास आ गया हुरेरा। जैद हुरेरा को तुम ही लेके बैठो जल्दी से चलो। और दानिश कर रहे हैं अपना खाना एंजॉय बहुत अच्छी तरीके से क्योंकि दानिश का फेवरेट है चिकन का पुलाव और ये वाली चटनी अच्छी है दानी। तो गाइज मैं आज आपको बताऊंगी कि अपनी कैट्स को आपको चॉकलेट कैसे खिलानी है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने लगा दिया यहाँ पे अपने पूरे हाथ पे। और गाइज अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से खाएंगे। लो चलो अच्छा खा के दिखाओ, चलो खा कर दिखाओ। ये बात नानिश पकड़ो जल्दी फोन पकड़ो, जैद फोन पकड़ो यहाँ से ऐसे ही।
बन गई। तो गाइस देखिए जरा इस तरीके से मैं इन्हें खिलाती हूँ चॉकलेट, बड़ा ही मजा आता है मुझे तो। तो गाइस इन तीनों ने अभी चॉकलेट खाई है और अब माशाल्लाह से आप इनकी खुशी देख सकते हैं कि अब ये बहुत देर तक लगना बस अपने हाथ पैर मुंह ऐसे ही चाटते रहेंगे ये तीनों, और इतनी क्यूट लग रही थी ना तो मुझे ऐसा लगा कि ये व्लॉग में लेने वाली चीजें हैं, क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है ऐसा। मैंने कभी बिल्ली और कोई भी जानवर ऐसा कुछ भी नहीं पाला, बस बचपन में मुर्गी के बच्चे पाले मैंने। क्या हो गया? कॉकरोच हो वहां पे जो ये कोको कोको कर रहा है, देख कर आइयो जरा। अभी तो घर की सफाई हुई है, कहाँ से आ गया कॉकरोच है या फिर कुछ और है? तो गाइस इनकी क्यूट नियो वाली हरकतें देखिए जरा आप, ये इतने क्यूट लगते हैं ये ऐसे चाटते हुए बहुत ज्यादा। दावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, दावर आज सबको दिखाएगा। जल्दी से दुआ पढ़ो। गुड बॉय। पानी तो है नहीं, पानी में भरा दो। मतलब ये दिखा रहा है, देख रहे हो ना गाइस कितना स्ट्रॉन्ग है मेरा बच्चा। चलो ये वॉश कर कर लेकर आओ और अब बाहर जाके पानी पी लेना, मैं बताऊंगी नहीं किसी को। सही, मैं बताऊंगी नहीं किसी को। दावर पानी नहीं पीता दवाई के ऊपर। और दानिश जा रहे हैं कारखाने, तो बस अब मैं बच्चों को लेके आराम करूंगी, लेटूंगी, और क्योंकि बच्चों को सुबह स्कूल भी जाना है तो हम लोग अब करेंगे आराम। और दानिश जा रहे हैं कारखाने क्योंकि इनको काम है, भाई बहुत बिजी रहता है ये लड़का, तो थोड़ा सा इस वजह से ना मैं कुछ नहीं किया। जल्दी आ जाना, दिल नहीं लगता मेरा जब तुम घर में नहीं होते तो। ये वीडियो इतनी ब्लर क्यों हो रही है? सही हो जा भाई, जल्दी आ जाना दानिश, ठीक है? क्योंकि फिर इसके बाद में इंशाल्लाह व्लॉग एंड करूँगी मैं। ओके चलो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, मैं जा रहा हूँ कारखाने में, खड़ा है बाहर। ठीक है। माशाल्लाह से गाइस देखो जरा इन तीनों को, ये कितने ज्यादा सुकून से सो रहे हैं एसी में, इस तरीके से सोते हैं। दिखाना जरा क्या कर रहे हो कारखाने जाने से पहले। ये जैद ने बचा दिए थे चावल। तुम्हारी आदत नहीं जाएगी ना फ्रिज में घुस घुस के खाने की, है ना? कब बड़े हो गए तुम? ये बातें मुझे अम्मी बताती थी तुम्हारे बचपन की, आज तक तुम्हारी वही आदत है रात में उठ उठ के फ्रिज में से खाना खाने की। जा रहे हो कारखाने, जल्दी आ जाओ। जाकर आना ना नानी, अभी तो तुम गए भी नहीं हो। ठीक है बाय। ये देखो जरा यहाँ पे क्या हो रहा है, और ये देखो जरा इसको हुरेरा को ऐसे लेटा हुआ है जैसे पता नहीं इसको क्या हो गया है। उधर बेला लेटी हुई है और इधर बैठी हुई है हुरैन। हुरैन प्यारी प्यारी हुरैन, पीली आंखों वाली हुरैन, पीली पीली आंखों वाली हुरैन। हुरैन तुझे पीलिया तो नहीं हो रहा मेरी बच्ची? पीलिया तो नहीं हो रहा बेटा तुम्हें? इतने प्यारे होते हैं ना ये कि इनको हाथ लगाओ हल्का सा तो ये एकदम ऐसे हो जाते हैं कि बस इनको प्यार करते रहो। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और यहाँ देखो जरा इस प्यारे से बेटे को, ये बेटा ऐसा है इसको मेरे टच का इतना पता है कि मैं इसको छूती हूँ इसको फौरन पता चल जाता है। अच्छा अच्छा वाला बेटा है ये, बहुत अच्छा बेटा। मेरा हुरेरा मेरा लड्डू, ऐसा है बिल्कुल बच्चों की तरह। जानवर तो ये लगता ही नहीं कहीं से, इस तरीके की हरकतें इसकी देखो जरा किस कदर कंफर्ट है, किस कदर मैं इसका मुंह मसल रही हूँ, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। ये देखो जरा मेरा प्यारा बेटा। और बेला वहाँ गई है देखने के लिए कि दानिश बाहर गए, इस वजह से वो देख रही है नीचे गेट के नीचे से।
बेला आ जाओ बेटा, पापा गए कारखाने, आ जाओ बेला। बेला नहीं सुनेगी इस वक्त। गाइस इसका कंफर्ट देख रहे हो आप, कि किस कदर कंफर्ट है ये। इसे पूरा का पूरा मैंने मसला है अभी, ये देखो आप, मतलब मैं इसे सोते हुए को परेशान नहीं कर रही हूँ, इसे मज़ा आता है इस तरीके से। जब से ये मेरे पास आया है इसको इतना समझ पाई हूँ मैं, कि मैं इसको ऐसे करती हूँ ना तो ये बड़ा इसको सुकून मिलता है, बहुत मज़ा आता है इसको। ये देखो ज़रा पूरा पूरा मुँह मसल दिया है मैंने, फिर भी उठा नहीं है, सो के लड़का ये। तो गाइज आई होप कि आपने मेरा आज का व्लॉग बहुत अच्छे से इंजॉय किया होगा, क्योंकि सारा का सारा मतलब जो भी हुआ आज डेली रूटीन, बल्कि ज़्यादातर तो मैं शूट भी नहीं कर पाई क्योंकि उस टाइम मैं कुछ काम कर रही थी, तो मैं खाना बन रहा था तो फिर मैं कहाँ से क्या शूट कर लेती। तो गाइज बस मेरी कोशिश रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना अच्छे से अच्छा व्लॉग बना पाऊँ और पूरे दिन का अपना शेड्यूल आपको दिखाऊँ, शूट करना, फिर उसको एडिट करना, फिर सारी ही चीज़ें उसमें बोलना, सब कुछ ये बहुत ही ज़्यादा मेहनत से होता है गाइज, और ये मेहनत सिर्फ और सिर्फ मैं आपकी वजह से करती हूँ। तो बस आप लोग इसी तरीके से अपना सपोर्ट करते रहें, और बल्कि और भी ज़्यादा करें सपोर्ट, सपोर्ट की ज़रूरत किसको नहीं होती है। तो बस देखो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं आपके लिए डेली व्लॉगिंग कर सकती हूँ, ये मेरी एक कोशिश है। और आप क्या कर सकते हैं गाइज, आपका कुछ भी नहीं जाता है, आप मेरी वीडियो को बस लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फास्ट फास्ट आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें गाइज। इसी वजह से तो ये होता है ना, ज़्यादा सी एक भीड़ होनी चाहिए, फिर और भी ज़्यादा मज़ा आएगा, फिर मतलब एक होता है ना, मतलब एक एक कॉन्फिडेंस आता है उस चीज़ से भी। तो गाइज बस इस तरीके का सीन है। तो बस आज का व्लॉग करते हैं हम यहीं पर पूरा। गाइज अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, और बहुत अच्छे अच्छे से कॉमेंट्स कीजिए। अल्लाह हाफिज़।